वेलकम एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल्स की और मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स है और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, सब का नाम एक ही है, सब यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स का, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस और एंजियोस्पर्म, इससे हमने बोला था आपको कनेक्ट रखना है और ये आपको पूछता है। क्लियर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो ओव्यूल जिससे कनेक्ट होता है, स्टॉक है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल आपके प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल कनेक्ट होता है ओव्यूल्स के, और ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकल्स और ओव्यूल्स के जंक्शन को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब ये ओव्यूल्स आपका ऐसे इन्वर्टेड है। क्लियर, तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये चेलेजल है और नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चेलेजल एंड है। ठीक है, अब इसकी दो कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर वाले को बोलते हैं आउटर इंट्यूबमेंट एंड द इनर वन इज कॉल्ड द इनर इंट्यूबमेंट। ये ओ लिख रहे हैं जिससे आउटर और ये इनर। अब इस ये कवरिंग के अंदर जो है न्यूसिलस प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूसिलस प्रेजेंट होता है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रो ओमेगा स्पोर्स को। क्लियर, फिर ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस जो है कि सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्लियर, इसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और चेलेजल इस एम्ब्रियो सैक्स में आपके 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियाई है। ठीक है, जो चेलेजल एंड पर प्रेजेंट है वो 3 सेल्स प्रेजेंट है, दैट थ्री सेल इज फॉर द एंटीपोडल। सेंटर में प्रेजेंट है आपका पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर 2 न्यूक्लियाई कंटेंट होते हैं, एक सेल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे भी आपके 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में जो प्रेजेंट है वो है आपका एग जो कि लार्ज साइज में है, और इसके साइड्स में स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, और इनको एक नाम से एग एपरेटस कहते हैं। क्लियर हुई बात। और सिनर्जिड्स में आपके फिलीफॉर्म एक थिकनिंग होती है, इस थिकनिंग को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसी थिकनिंग्स के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है फर्टिलाइजेशंस के लिए। ठीक है, इसी थिकनिंग के थ्रू ये एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल्स को, जिसमें हमने आपको सब चीज बताई है। 2 एंड है, चेलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, फ्यूनिकल जो प्लेसेंटा और ओव्यूल्स से कनेक्ट होता है, फ्यूनिकल्स और ओव्यूल्स के जंक्शन को हाइलम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो कवरिंग होती है उसको इंटिगमेंट कहते हैं। ये 2 और 3 या तो एक लेयर या 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 लेयर होती है तो आउटर और इनर में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इंटिगमेंट के अंदर आपके न्यूसिलस प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आपका एम्ब्रियो साइट जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोलर सेल है वहां पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड चेलेजल एंड में आपके एंटीपोडल प्रेजेंट होते हैं, 3 होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड्स में आपके 3 होते हैं, बीच में जो है एग प्रेजेंट होते हैं, साइड्स में आपके सिनर्जिस प्रेजेंट होते हैं, इनको एक नाम से बोलते हैं, तो एग एपरेटस, और सिनर्जिस के थिकनिंग को फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो कि पोलन ट्यूब्स के एंटर्स में हेल्प करते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं या फिर एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, तो सारे नाम आपके सेम हैं। क्लियर, अब यहां पे देखिए बात करते हैं मेगा
स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए जो यहाँ पर सेल्स होते हैं वो आपके 2n होते हैं, मदर सेल, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है आपका, मियोसिस हुआ, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन और टू होंगे तो एक से आपके चार सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, और ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ ये टेट्राइड हुए, और टेट्राइड से हमने कई नाम आपको बताए थे। ये वाला जो है आपका लीनियर है, मेल में आपका टेट्राइड फॉर्म होता है, वहां पे दूसरा नाम हमने बताया था, यहां पर आपका लीनियर है, क्लियर। अब देखें यहां पर दो एंड हो गया, ऊपर वाला चलेजल, नीचे वाला आपका माइक्रोपाइलर एंड हुआ। अब क्या होता है यहां पर, ऊपर से थ्री डीजेनरेट हो जाते हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो मतलब अब जो बच रहा है वो एक सेल आपका बचा, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, वन बचते हैं, यही जो है कि सरवाइव करते हैं, ये सरवाइव करते हैं आपका, और यही जो सरवाइव करते हैं ये कैरियोकाइनेसिस फिर करते हैं, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस करते हैं, और कैरियोकाइनेसिस वन टू एंड थ्री होते हैं, तीन बार कैरियोकाइनेसिस होंगे, और जब तीन बार कैरियोकाइनेसिस होंगे तो एट सेल्स फॉर्म होते हैं, एट डॉटर न्यूक्लियोटाइड हैप्लॉइड्स होते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहां पे जब कैरियोकाइनेसिस हुआ आपका तो एट सेल्स फॉर्म हुए आपके, ठीक है, एट सेल्स आपके फॉर्म हुए, और जिसमें फॉर्म हुए इसको बोला हमने एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब यही एम्ब्रियो सैक है जो फर्दर, इसमें सेल्स जो हमने बताया था एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर, में सेनर्जिट्स और एग एपरेटर, वो डिफरेंशिएट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो थ्री सेल्स मूव्स टुवर्ड्स द चलेजल एंड, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंड टू मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर, एक सेल है, दो न्यूक्लियाई है, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब माइक्रोपाइलर एंड्स पे भी आपके थ्री सेल्स होंगे, जो बीच में है आपका एग, साइड्स में है जो आपका सेनर्जिट्स, क्लियर। तो यहां पर भी इसका एंड है चलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपके हो गए एंटी पोडल सेल, ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, यहां पे सेंटर वाला हो गया आपका एग, और साइड्स में जो प्रेजेंट है और स्मॉल साइज के हैं वो है आपके सेनर्जिट्स, क्लियर। दोनों को एक नाम से बोलते हैं, तो एग एपरेटस, ये हो गई बात। प्लस इसी सेनर्जिट्स में एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हमने बताया फिलीफॉर्म थिकनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब के एंटर में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, और यहां पे सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। ये कैसे सेवन सेल और एट न्यूक्लियाई, इस पे फोकस करिए, फिर से देखिएगा, ये जो सेल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक सेंटर में है सेवन, तो सेवन सेल हो गए। न्यूक्लियाई हमने बोला पोलर न्यूक्लियाई, दो आपका न्यूक्लियाई कंटेन करता है, तो एट न्यूक्लियाई हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट न्यूक्लियाई क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने बार बार इस पर फोकस किया है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक्स है इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में, इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, मोनोस्पोरिक क्यों, क्योंकि यहां पे थ्री जो सेल्स है वो डीजेनरेट होते हैं, एक बचता है, इसी एट से आपके वन सेल से एट आपके सेल्स बनते हैं, इस वजह से इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, मतलब वन स्पोर्स, क्लियर।
और एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं पॉलीगोनम, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम क्यों? पॉली मीन्स मोर देन वन, तो मोर देन वन सेल्स कंटेन करता है इसलिए इसको पॉलीगोनम कहते हैं। प्लस इसी एम्ब्रियो सैक्स में डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। ठीक है, थोड़ा यहां समझिए, बाकी आगे भी इसको डिटेल में बताएंगे। क्योंकि जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है माइक्रोपाइलेसेंट से तो जेनरेटिव सेल्स, हमने बताया जेनरेटिव सेल्स जो कि टू सेल्स डिप्लॉयड स्टेज होते हैं वो दो सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक आपका आता है एग एपरेटस से फ्यूज करता है, सेकेंड जो है आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो यहां पे देखिए, एक एम्ब्रियो सैक्स में दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक एग में और एक पोलर न्यूक्लियाई में। तो पोलर न्यूक्लियाई वाला फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, एग फ्यूज करता है तो यहां पे बनता है जाइगोट। क्लियर? तो यहां पे दो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको बोलते हैं डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई था जो फीमेल गैमेट का है और एक आपका मेल गैमेट हुआ, तीन सेल आ गए, यहां पे तीन न्यूक्लियस आ गए, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? तो ये है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है मेगा स्पोरोजेनेसिस और वहां पे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, दो क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में हम आएंगे तो पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।